नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता विद्या के जेबी साइंस इंस्टीट्यूट। और आज मंगलवार और आज एक बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात के जेबी साइंस इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ कविश गुप्ता। और कविश गुप्ता इतने फेवरेट, यानी कि कुछ बच्चे इतने क्लोज होते हैं आपके, जो जरूर आपके पास आना चाहते हैं और जरूर आपके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो कविश गुप्ता ने आर्मी ऑफिसर एयर जो पायलट है उस रैंक पर उन्होंने यानी कि एडमिशन लिया, उनका सिलेक्शन हुआ है। सोचिए 13th रैंक ऑल ओवर इंडिया आई हुई है और 3rd रैंक उनकी कैटेगरी में फ्लाइंग ब्रांच में। तो कविश भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएं और लाइफ में आप ऐसे ही करें। केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट, मैंने जब इनका फोटो पेपर में देखा ना तो वो इतना खुश हुआ मैं कि वो कविश है आ रहे अपना। तो कविश, पहले तो आप ये बताइए किस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं और केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट का इसमें कोई आप क्या कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के लिए? मेरा इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें हम एज अ पायलट कोर्स के लिए कमेंस होते हैं, तो अभी मैं 11th ऑफ जुलाई से ज्वाइन कर रहा हूँ वो कोर्स। और मेरा यहाँ आना शुरू से तय था कि जिस दिन मैं ज्वाइन कर जाऊँगा उससे पहले मैं जरूर सर के पास जाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं बाकी और सारी चीज़ें भी सीखी हैं। सर की डांट खाई है और सर ने मुझे वो हर चीज़ सिखाई है बिन कहे, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जब स्टूडेंट फेज में होते हो तो वहीं से आपका एक फाउंडेशन बनता है, आपका आने वाला कल आपको दिखने लगता है। तो मुझे लगता है कि वो एक सिंसियरिटी, एक विजनरी थॉट जो मुझे इनकलकेट हुआ वो सर की तरफ से हुआ। मैंने यहाँ से मैं यहाँ पे सर के पास 10th क्लास से और 12th क्लास तक पढ़ा हूँ। वो 2 साल मेरे बहुत ऊपर नीचे रहे हैं। मैं तब स्पोर्ट्स में भी रहा था और हर चीज़ मैंने यहाँ पे जी है, तो मेरा आना यहाँ बनता है। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब इतना क्लोज हमारे थे कविश, आप सोचिए मैं घर पे रात को हम घर पे गए और मुझे वो सारी कंडीशन, डांटा भी है, पिटाई भी हुई है, सारी चीजें, और वो सारी चीजें लाइफ के लिए बहुत बड़ा रोल रखती है। और एक टीचर का स्ट्रिक्ट होना बच्चे को अभी समझ में नहीं आता, पर जब वो एक पोजीशन पे होता है तब उसे लगता है कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। आप बहुत आगे जाए, और जैसे वो अभिनंदन जी जो आपने मूछ वाले क्या है वो विंग कमांडर है, इसी पोजीशन पे आप आगे जाएं और पक्का लाइफ में अपने पेरेंट्स का, अपना, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। और हम हमेशा प्राउड फील करते हैं अगर हमारे बच्चे लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं। हर बच्चा कर सकता है उस मुकाम को अचीव, पर उसे करनी होती है मेहनत, और बहुत मेहनत करता था। मुझे पता है रेस पैदल, अरे जब मैं 10th में था तो एयरफोर्स तक पैदल भाग रहा होता था, रेस लगा रहा होता था। तो मैं कहता था भाई पढ़ भी ले, कि विनय सर पढ़ भी रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ। तो मुझे वो सारे दिन याद है कविश के, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं पक्का भगवान से प्रे करूंगा कि लाइफ में आप बहुत आगे जाएं। धन्यवाद। थैंक यू।